Hello, myself, I am Ratna Bhushan. Welcome to the program, The Great Bharat and the Great People. Good evening, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your party efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the program, I would like to tell you, please subscribe my channel. सीतारमण के भाषण में महापुरुष चाणक्य सूत्र और शेर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अंग्रेजी में दिए गए बजट भाषण में बीच बीच में हिंदी, संस्कृत, उर्दू और तमिल भाषा में कुछ बातें कहीं और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा समाज सुधारक कन्नड़ संत बसवेश्वर की उक्तियों का भी उल्लेख किया। सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए चाणक्य नीति का सूत्र कार्य पुरुष कारेण लक्ष्य संपदे पढ़ा। उन्होंने इसका अर्थ बताते हुए कहा, दृढ़ संकल्प के साथ किया गया कार्य पूरा होता है और सरकार इसका पालन करती है। उन्होंने उर्दू शायर मंजूर हाशमी का एक शेर पढ़ते हुए कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। क्या बात, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। सीतारमण ने अपने करीब 2.25 घंटे के बजट भाषण में लंबे समय तक ग्रामीण भारत की बात की और इस दौरान महात्मा गांधी के इस वाक्य को उद्धृत किया, देश की आत्मा गांवों में बसती है। वित्त मंत्री ने जब नारी सशक्तिकरण की बात कही तो नारी तू नारायणी के सूत्र का जिक्र किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, द फ्यूचर ऑफ द मनी बिलोंग्स टू फ्री डिजिटल करेंसी, नॉट टू फेसबुक लिब्रा। द आइडिया कन्वेड इन द टाइटल बिलोंग्स टू द जीन फ्रैंकोइस नुगुल ऑफ फ्रांस ऑफ बोल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर ऑन द फ्यूचर ऑफ द मनी एंड फैसिनेट वोटरी ऑफ द फ्री करेंसीज एट द बेडरॉक ऑफ द नेक्स्ट ग्लोबल मॉनिटरी सिस्टम। He predicts that money is about to follow the same path the media followed during the past few years, from the controlled ownership with one way to top-down broadcast system to peer-to-peer participatory open publishing. Millions of free currency will soon circulate on the net and through our cell phones. The next most important fact is समावेशी विकास संभव। बजट भाषण में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर की बन सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार 5 साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 1,850 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2,700 अरब डॉलर का हो गया। बजट भाषण में सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को काबू में रखने, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया। देश में मौजूदा कारोबारी सुगमता को और भी सुगम बनाने की बात वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कही। गौरतलब है कि 4 जुलाई को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री ने कहा था वर्ष 2019 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। सीतारमण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत ब्रिटेन के पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया भर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले 3 साल के दौरान गिरावट के बावजूद भारत में वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6% बढ़कर 64 अरब डॉलर से अधिक रहा। हाल में प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी हुई, यह 6.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हो गया। माना जा रहा है कि देश में बुनियादी स्तर पर चल रही सुधार प्रक्रिया से निवेश में और भी तेजी आने का अनुमान है। मौजूदा समय में बीमा क्षेत्र भारी पूंजी की कमी का सामना कर रहा है, इसलिए बीमा मध्यस्थ क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देने की बात बजट में कही गई है। सरकार ने वर्ष 2019 में 210 किलोमीटर मेट्रो लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देगी। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए राज्य सरकार की मदद ली जाएगी। सरकार का लक्ष्य सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाओं को लागू करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मौजूद अंतर को पाटना है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2020 तक वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी तक पर कार्गो सेवा शुरू की जाएगी। पानी और रसोई गैस की समस्या दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की घोषणा है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर नल हर घर जल योजना को लागू करनी है। समाज के निचले तबके को आर्थिक से सबल बनाने के लिए 59 मिनट में कारोबारियों को कर्ज देने की प्रक्रिया को और भी सबल बनाई जाएगी ताकि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान में खुदरा कारोबारी मानसिक रूप से असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार 1.5 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाले 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाएगी। सभी को आवास मुहैया कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली मुहैया कराने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। इसके तहत हर राज्य को उचित कीमत पर 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। बिजली शुल्क को तर्कसंगत करने का प्रस्ताव भी बजट में है। बजट में नारी उत्थान के लिए भी व्यवस्था की गई है। महिला आत्मनिर्भर हो सके इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा। देश को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। वित्त 2019 से 20 में स्फूर्ति के तहत 100 नए स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें 50,000 दस्तकारों को जोड़ने का लक्ष्य होगा। थैंक यू सो मच टू वॉच माई प्रोग्राम। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।